मैं अभी खड़ा हूँ महावीर चौक में और सामने की तरफ है एलोरा के उसका एंट्री गेट जिसका टिकट दर है 50 रुपये। सामने ही नज़र आएगा आपको ब्यूटीफुल गार्डन और ये बरगद के पेड़ जो तकरीबन 200 साल पुराने हैं। यहाँ से आप एलोरा के उसके फर्स्ट लुक को देख सकते हैं। वाकई में बड़ा खूबसूरत है ये नज़ारा। स्वागत है आप सबका महाराष्ट्र के संभाजी नगर में जिसे लोग औरंगाबाद के नाम से जानते हैं। साईं दर्शन शिरडी को आने वाले तकरीबन सभी यात्री सिग्नापुर के शनि महाराज और एलोरा केव्स की विजिट अवश्य करते हैं। शिरडी से इसकी दूरी है 123 किलोमीटर की। एलोरा केव्स से सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है औरंगाबाद जिसकी दूरी है 30 किलोमीटर की। दोस्तों यहाँ पर आप देख पाएंगे एक साथ तीन धर्मों को। यहाँ पर है कुल 34 गुफाएं जिसमें 17 हिंदू 12 बौद्ध और 5 जैन। ये सभी गुफाएं जो तकरीबन 3 किलोमीटर की एरिया में फैली है। बताया जाता है कि एलोरा 16 नंबर की गुफा विश्व की सबसे बड़ी गुफा है। इस वीडियो में हम देखेंगे 5 नंबर और 16 नंबर की गुफा जिसमें 5 नंबर की गुफा में सब साथ बैठकर भोजन का ग्रहण किया करते थे जिसे आज के दौर में आप डाइनिंग टेबल भी बुला सकते हैं। 16 नंबर की गुफा जो सभी गुफाओं में से अधिक महत्व रखती है क्योंकि इस गुफा में बना हुआ है कैलाश मंदिर। शायद इसी की वजह से पर्यटकों की भीड़ यहाँ पर सबसे अधिक रहती है। आमतौर से आप किसी भी स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं तो उसे नीचे से ऊपर की तरफ बनाया जाता है, पर एलोरा केव्स के निर्माण में चट्टान को ऊपर से नीचे की तरफ काटा गया है। इसके आकार को आप गौर से देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे इसे रथ के आकार में काटा गया है। एलोरा की गुफा में प्राचीन कलाकृतियों को अद्भुत तरह से तराशा गया है। आमतौर से दीवारों पर एक ही तरफ ऐसी कलाकृतियों को बनाया जाता है, पर विश्व की इस खूबसूरत गुफा में आप देख पाएंगे दीवारों के दोनों तरफ प्राचीन कलाकृतियों को। ये देखकर मैं कभी कभी सोच में पड़ जाता हूँ कि आखिर कितना वक्त लगा होगा इन अद्भुत शिल्पों को बनाने में, शिलापतियों को। दोस्तों आपने कभी 20 रुपये के नोट को गौर से देखा है? आप सोच रहे होंगे कि एलोरा की गुफा में 20 का नोट कहाँ से आ गया, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ जैसे 500 रुपये के नोट में लाल किला, 100 रुपये की नोट में रानी की वाव, वैसे ही 20 रुपए की नोट में आपको नजर आएगा एलोरा केव्स का ये स्तंभ। कैलाश मंदिर एक भारतीय प्राचीन मंदिर है जिसे राष्ट्रीय विरासत स्थल के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। यह मंदिर एक खदान में कटा हुआ है और इसे शिल्पियों और शिलापतियों द्वारा 840 से 876 ईस्वी तक बनाया गया था। 2 मंजिली ये गुफा जिसकी लंबाई 50 मीटर, चौड़ाई 35 मीटर और ऊंचाई तकरीबन 30 मीटर की है। कैलाश मंदिर को राष्ट्रीय विरासत स्थल के रूप में भी मान्यता प्राप्त है क्योंकि ये एक अधिपत्य महत्वपूर्ण कला और सांस्कृतिक स्मारक है। इस मंदिर का निर्माण देवों के देव महादेव द्वारा किया गया है, इसी मान्यता के कारणवश इसे विशेष महत्व दिया जाता है। कैलाश मंदिर का अद्वितीय निर्माण और विशाल आकार इसे विश्व पर्यटन का मुख्य स्थल बनाता है। इस धार्मिक स्मारक का दौरा करके आप प्राचीन भारतीय संस्कृति और शिल्पों के प्रतीक को देखने का सुंदर अवसर पाएंगे। ये जो अभी आप मूर्ति देख रहे हैं वो है 2200 साल पुरानी अन्नपूर्णा है। हाँ अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा है, अन्नपूर्णा। आज के वीडियो में बस इतना ही। जल्दी ही मिलेंगे किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नए हो हमारे चैनल पे तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें।